जी हाँ बिल्कुल, आप लोग सही देख रहे हैं, नया पोर्टल आयुष्मान कार्ड का नया पोर्टल फिर से लॉन्च हो चुका है। ठीक है, वैसे तो जब से आयुष्मान कार्ड का बनना शुरू हुआ है पता नहीं कितने नए पोर्टल बनाए जा चुके हैं सरकार के द्वारा, तो लीजिए एक और नया पोर्टल। लेकिन इसमें जो व्यवस्था है, जो काफ़ी फैसिलिटी है, अच्छी दिख रही है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा, तो ये जो है आपको चार फैसिलिटी यहाँ पर, फीचर्स ऑफ पोर्टल, यहाँ पर आप लिंक आधार कर सकते हैं। आधार कार्ड को लिंक करके आप किसी का भी मतलब जो बनाना होगा नया वो बना सकते हैं, ऐड मेंबर कर सकते हैं। किसी का जो है लिस्ट में नाम नहीं है तो डायरेक्ट यहां से लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं कि अगर जो केवाईसी आपका नहीं हुआ है तो आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जो राशन कार्ड में अलग नाम होता है और आधार कार्ड में अलग नाम होता है तो इससे केवाईसी करेंगे तो आधार कार्ड के नाम के हिसाब से आपका आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़ जाएगा, नहीं तो आपका राशन कार्ड के हिसाब से नाम जुड़ेगा। यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ता है। आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन एज का, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लॉग इन कर देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑपरेटर और एक हमारे पास होता है बेनिफिशियरी। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी हैं तो यहाँ पर लॉग इन करते हैं। अगर जो आपने ऑपरेटर आईडी लेना है तो यहाँ ऑपरेटर पर क्लिक करके इसको साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइन अप करके नया अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल हम जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी से हम जो है लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और ऑथेंटिकेशन मोड हम OTP रखेंगे। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए OTP आ चुका है 176404। चलिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आपने मोबाइल OTP यहाँ पे मोड जो है इसको रखना है, मोबाइल OTP। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से और यहाँ पे OTP डाल देना। चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा आपने फिल करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देते हैं और लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक नया पेज खुलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पे जब नया पेज खुलेगा यहाँ पे आपके पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिख के आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे PMJAY सेलेक्ट रहने देना है इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास स्टेट हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट जो है अभी मिसिंग है, मतलब बहुत कम स्टेट्स यहाँ पर अभी ऐड हुए हैं, अभी धीरे धीरे ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोई और स्टेट ले लेते हैं, यहाँ पर हरियाणा ले लेते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम हरियाणा कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम करनाल ले लेते हैं। यहाँ पर सर्च बाय हम नाम के हिसाब से सर्च कर लेते हैं, हम कोई भी रेंडमली कोई भी नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ पे राहुल लिख देता हूँ। ठीक है, इमेजिन करिए कि राहुल कोई आदमी होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर मेल कर देते हैं और यहाँ सर्च कर देते हैं। यहाँ पर देखिए राहुल नाम से मुझे कोई नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पर जो है अंजलि नाम से सर्च किया है। देखिए यहाँ पे रेंडमली मैंने कोई भी नाम यहाँ पे सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मैंने राहुल से नाम से भी सर्च किया था तो राहुल भी आ गया, अंजलि भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में जितने मेम्बर है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे EKYC स्टेटस अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, यानी कि इनका नया नहीं बना हुआ है, कार स्टेटस नॉट जनरेटेड है। यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे एक्शन का मतलब होता है आपने बनाना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने बनाना है, जब बन जाएगा तब आपका वेरीफाइड और अप्रूव्ड लिख के आ जाएगा, फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अगर जो, तो यहाँ आधार नंबर और यहाँ OTP या फिंगर प्रिंट मांगेगा, तो उससे आप ऑथेंटिकेशन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसको कट मारते हैं। अब देखिए आपने करना क्या, यहाँ पे आपको इस तरह से नाम आ जाएगा, बहुत ही इजी अब हो चुका है, कोई भी बना सकता है घर बैठे, ज़रूरी नहीं है साइबर कैफ़े में जाना, CIC सेंटर में जाना। अब देखिए यहाँ पर हमने नया बनाना, तो नया इस पर क्लिक कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, EKYC पे यहाँ पर यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेट विद वेरीफाइड मेम्बर एंड देन प्रोसेस फर्दर। अब अगर जो हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हम रेंडमली चूज़ कर रहे हैं, हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं बता रहा है।
अच्छा यहाँ पर हम ये अंजलि का लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर ई केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, यानी कि पहले हमने ई केवाईसी करना है। ठीक है, देखिए जिसका अप्रूव हो जाता है वो यहाँ पर रेड में इस तरह से दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रूव हो गया है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे अगर जो हम, तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है अलाउ करने का, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन एरर हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो ये यहाँ से अब बहुत ही इजी हो चुका है, मैं तो ये बोलूँ। यहाँ पर जो है जहाँ पे नॉट जनरेटेड है, यानी उनका कार्ड नहीं बना है, और यहाँ से वो बना सकते हैं अगर जो ओरिजिनल डेटा लेके आएंगे, मतलब जिनका वाकई में नहीं बना हुआ। मैं तो यहाँ पे आपको डेमो दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए आगे भी कर सकते हैं, आपको नाम नहीं मिला हो अगर जो इस लिस्ट में, तो आप यहाँ से एरोस पे क्लिक करके आगे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको दूसरा पेज खुल जाएगा, फिर दूसरे पेज में आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 74 फैमिली फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, अगर जो यहाँ पर आपने ढूंढना है तो यहाँ से आप ढूंढना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह से नया वेबसाइट का फ़ायदा उठाइए, और जल्दी से आप मेंबर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और अपना आयुष्मान कार्ड बनाइए। 5 लाख का मुफ्त इलाज है हर साल। ठीक है, थैंक यू सो मच।